किसने चिट्ठी दी आपको मुझे बस और क्या करेगा वो और क्या करेगा क्योंकि उसको भी पता है ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है अगर उसके दिमाग में ये बात है तेरे दिमाग में क्या गोबर भरा है मगर मैं आपके गोखा आपके पास भी गए बात खत्म करने दो मुझे गोखा चून था ना यू आर मुस्तफा उस बकवास नहीं कौन था ना पहले बात आराम से गुजर बकर वाला स्टेट प्रेसिडेंट है ना गांव ने लाया मुस्तफा को मैंने नहीं लाया ना अलग उसकी मैं कसम गांव ने लाया गांव को गलत फोन जहां से जा रहे हैं बात सुनो यार आप मुझे बात खत्म करने दो अगर आपको गलत लगा आप अपनी बात रखो गया आप उसको मुबारक करने के लिए जान हाजी को सही बात है गया मैंने आपको बोला क्यों गए नहीं खत्म ये बात आपने लाया उनको यहाँ जो वही गुजर बकरवाल साहब हुए लाया ना उनको यहाँ आपने मैंने नहीं लाया मुझे जिसने भी लाया मुझे मत बुलाया मुझे मत बुलाया वो सारे मेरे दोस्त हैं उन्होंने मुझे भी फोन किया था मैं लेकिन मैं किस मुंह से आता सही बात है अगर गांव ने बुलाया इन्होंने नहीं बुलाया राजदस बजे ना वो ना ऐसे बीडीसी मेंबर सुखिया जानू सुखिया जानू बॉस मगलिया नहीं एफआरए चुकना करा एफआरए चुकना करा हमने उनको एफआरए के लिए लाया था उस एफआरए का मैं भी एक मेंबर हूँ जो है ना यहाँ पे तहसील लोलाब जो है ना उस कमेटी का मेंबर मैं भी हूँ ठीक है वो अगर कागज आएंगे मेरे पास आएंगे तो मुझे ये नहीं बोलना कि हमने एफआरए के लिए उनको लाया था और उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा मैं हूँ मुझे भी पता है फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है होगी ये बात लाया आपने उनको और मुस्तफा को कलारूस के ठीक है उसके बाद आप परसों ये क्या बनाया आया आपके घर हाँ या ना हाँ हाँ। तो किसी ने भी लाया हो ना आपके घर आया मतलब आपने लाया अगर मेरे घर में मगर हमने वोट तो नहीं डाला है ना उसको क्यों हमने वोट तो नहीं डाला है ना उसको हमने वोट आपको डाला है चलो ठीक है आप एक काम करो रात इचना रात गो वो तो बाई चांस तो ना तो जान है चिट्ठी है हुकूमत को डिस्ट्रिक्ट ऑफिस आप भी चिट्ठी दी किसने चिट्ठी दी आपको मुझे बस और क्या करेगा वो और क्या करेगा क्योंकि उसको भी पता है ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है अगर उसके दिमाग में ये बात है तेरे दिमाग में क्या गोबर भरा है मगर मैं आपके पास गया ना सर मेरे पास नहीं आया कब आया मेरे पास मैं बोलता हूँ हमने कैसे सबको कितनी बार बोला इसके ग्राउंड के बारे में बोला दूंगा यही बोला कैसे साहब नहीं हूँ जब मैं कैसे साहब नहीं हूँ जब मुझे बोला तूने उसके बाद मुझे बोला तूने आपके पास मुझे बोला तूने मैं आपके पास देखो सर शरारत मत करो शरारत और क्या करो और क्या हमारे हमने वोट डाला है हमने आपने मुझे नहीं बोला हमें बीजेपी वाले के पास उन्हें अपनी सुबह का कैसे भोग जाने जिसने फिर क्यों बोलते हो मैं बोल रहा हूँ ये ऐसा मैं बोल रहा हूँ ना क्यों ये मेरी बात सुना ये है इसको दुख इसको मेरे मेरी मेरी बेटी क्लास में करवानी थी इसको वोट नहीं डाला मैंने इसको मैं घर कर गया इसके लिए वोट मैं लेके मुझे पता है यहाँ से डर तो वही ये कैसे करा उस करा उससे मच्छर से मैं हयामा में सारे घर घर में घूमा हूँ इसके लिए वोट मांगने इसके लिए नहीं इसके भाई के लिए वोट मांगने मैं गया हूँ मुझे पर्चा लगा है इसके इनके इनके बारे में ये हमें सिर्फ यही सलाह नहीं गई क्या सलाह दिया ये हमें जी सिर्फ क्या सलाह दिया आपने मेरी बेस्ती कल कुपवाड़ा में करवाई क्यों करवाई उसी लायक है अगर मैं वहाँ पे उसी लायक है ठीक है अगर मैं आपको वहाँ मैं बोलूंगा ना बेस्ती किसकी मेरी हुई अगर मैं अफसर के सामने ये मुझे मुझे बोलो जाए तो जाए किसके पास आप मुझे बोलो इसने बोला मेरी गाड़ी में तेल नहीं है इसने बोला मेरी गाड़ी में तेल नहीं है इसी ने बोला कि अभी मेरे पास तनख्वाह नहीं है आपको फिर भी 2000 मिल रहा है अब किस मुंह से जाऊं मैं इसके पास किस मुंह से जाऊं बकवास कर रहा है तू आपने बोला ना क्या बोला मेरे आपको 2000 मिल गई तनख्वाह मुझे वो भी नहीं मिलती है मजाक किस बोला तुझे और क्या किस बार बोला मजाक फिर हम भी गए मेरा प्राइवेट बात है मुझे क्यों बोले आपको क्यों बोले आपको क्योंकि अपना समझता था ना तुझे इसीलिए बोले ना कोई प्राइवेट हम भी अपना समझते हैं लेकिन हम कौन सा गैर समझते हैं मतलब अगर इसका दुख ये है कि अगर आपने मेहनत करके नासिर साहब को वोट दिलवाई ठीक ना अगर नासिर साहब के पास आप जाते हमें ये प्रॉब्लम अगर ये नहीं करता फिर गिला था कौन सा सालू किया हमारा काम यार आज चलो यार मैंने किसका काम सालू किया आज चलो ठीक है कोई बात नहीं जब मैंने कोई काम ही नहीं किया आज तक कोई बात नहीं ठीक है कौन सा काम किया सालू आज के बाद फोन नहीं करना मुझे ठीक है कौन सा काम नहीं किया मैंने कोई कौन सा काम नहीं किया कौन सा जब तूने फोन किया मेरे दादाजी को कितने साल हो गए आपके साथ और दादाजी नहीं मुझे बोला ना साल हो गए आपने मेरे ऊपर आपने आपको देखो हाजी साहब परसों आज से पहले बोला कि मैं जुमार दिन के घर में जाऊंगा क्या बोला
आपको जोर से बोलना पड़ता है कि दादा जी के पास जाओ खबर लेने के लिए, यहाँ से बोलना पड़ता है। मैं नहीं जाता उनके पास, पाँच मिनट जोर से लेना पड़ता है। गिंदा पे चून कर चून था मैं तो आशिक सुन यू ना मैं तो आशिक सुन ये था भी नहीं वहाँ पे मैं खुद गया कि नहीं छोटा बदवा जब भी यहाँ चक्कर लगता है। और क्या काम, क्या काम आप बोल रहे हो? आपका पहले काम नहीं किया, रोड का था मैंने नहीं रखवाया। वो किसने रखवाया? वो किस रोड किसने रखवाया जो मैडम के लिए? जब मैंने फोन किया कौन सा रोड रखाना है वहाँ, मेरी गलती है, मैंने आपको सर पे चढ़ाया जाता है। जब यहाँ ट्रांसफार्मर रखना था मैंने किसको फोन किया? मुझे क्या फोन, किसको फोन किया है? फोन किया ना, है कहाँ रखवाना था, है कहाँ? मैंने आपके पास कितनी चिट्ठियां दी है, कितनी चिट्ठियां दी है ट्रांसफार्मर लग रहा है। हमने वोट नहीं डाला है, हमने वोट नहीं डाला है, हमारे वोट की 1 करोड़ कीमत है। तो मेरे घर में फायदा नहीं उठाया, मेरे घर में फायदा नहीं उठाया, कौन सा फायदा उठाया? जाओ जाओ जाना जी, जाओ हम जाएंगे, हम मोदी के पास जाएंगे, हम मोदी के पास जाएंगे। सच चक्कर वीडियो ग्यारह सौ।